आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज को। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में भाजपा की नई टीम का ऐलान, 18 उपाध्यक्ष और 7 महामंत्री समेत 51 को नई जिम्मेदारी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के खिलाफ देवरिया में सड़क पर उतरे कांग्रेसी सभी गिरफ्तार। महिला विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का जलवा, नीतू स्वीटी ने जीते स्वर्ण पदक। G20 की बैठक में तिरंगे को खालिस्तानी झंडे से बदलने की धमकी, आईडियो वायरल, एक्शन में पुलिस। SBI सहित सभी बैंकों में मिल रहा है 1 साल की FD पर करीब 8% तक ब्याज। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ा दुर्घटना, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूर चल बसे, 3 महिलाएं घायल। अमृतपाल नेपाल से सटे यूपी के 5 जिलों में अलर्ट, महाराजगंज में पोस्टर लगाए। लखीमपुर पीलीभीत में SSB ने बॉर्डर पर बढ़ाई निगरानी। पीलीभीत में फूका गया रामगोपाल यादव का पुतला, प्रधानों ने लगाया मुर्दाबाद का नारा, बोले प्रधान संघ से माफी मांगे राज्यसभा सांसद। आलू किसानों के लिए अच्छी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोसेलर, मीट में निर्यात पर होगी चर्चा, सीएम योगी हो सकते हैं शामिल। सांसद शफीकुर रहमान ने सरकार की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, बोले पूरा हिंदुस्तान जानता है कि योगी आदित्यनाथ ने 1 साल में क्या काम किया। ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना, हिंदू पक्ष ने कहा परिसर से जो बाबा मिले थे उनके दर्शन किए, ASI सर्वे कराने की कामना। अतीक के शूटर के गांव में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, फिर मिले असलहे, ससुरालियों की भी नापी गई संपत्तियां। यूपी के सीतापुर में बड़ा दुर्घटना, स्कूल के ऊपर टूटकर गिरा हाई टेंशन लाइन तार, बाल बाल बचे 65 बच्चे। श्री कृष्ण जन्मस्थ ईदगाह प्रकरण में अमीन सर्वे के रिवीजन कोर्ट ने किया खारिज, अब 7 रूल 11 पर होगी सुनवाई। शिवपाल सिंह यादव भी जा सकते हैं जेल, भाजपा सांसद ने कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती के लिए 26 मार्च से होने वाला है स्किल टेस्ट स्थगित। सीएम योगी पर सपा प्रमुख का हमला, सरकार हर मोर्चे पर फेल, सीएम पर खुद कई मुकदमे, जारी हो टॉप 10 माफियाओं की सूची। कर्नाटक में दूसरी बार पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, पुलिस का इनकार। मिलेगा मुआवजा बारिश और ओलावृष्टि, वाराणसी के 58,393 किसानों की फसल बर्बाद, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। यूपी बोर्ड 5 दिन में गुरुजी जांच रहे हैं 42 लाख कापियां, मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में। अलीगढ़ में 21 घंटे बाद आए BSNL सिग्नल, 24 घंटे लगेंगे नेटवर्क सुचारू होने में। जी हाँ दोस्तों, 21 घंटे के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ में BSNL की सेवा सुचारू हो गई है। बता दें कि मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज में लगी भीषण आग के कारण अलीगढ़ ही नहीं हाथरस जिले में मोबाइल से BSNL के सिग्नल गायब हो गए थे, डॉट फोन भी खामोश हो चले थे। बता दें कि अलीगढ़ के टेलीफोन एक्सचेंज में रात्रि को आग लग गई, आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। आग लगने से अलीगढ़ और हाथरस में BSNL के डॉट फोन डेड हो गए और मोबाइल से सिग्नल गायब हो गए। मिलेगा मुआवजा बारिश और ओलावृष्टि, वाराणसी के 58,393 किसानों की फसल बर्बाद, शासन को भेजी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों को नुकसान की आकलन रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से 2.33 करोड़ 19 लाख रुपए मांगे गए हैं, इसका भुगतान बतौर मुआवजा किया जाएगा, इससे किसानों को राहत मिलने की काफी उम्मीद है। वहीं 19 और 21 मार्च को तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से वाराणसी जिले के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। कर्नाटक में दूसरी बार पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, पुलिस का इनकार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के दावणगेरे में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में आज सेंध लग गई। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास जाने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। यह शख्स प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए जैसे ही भागा वैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यह दूसरी घटना थी जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी। इससे पहले ही हुबली में उनके रोड शो के दौरान एक बच्चा प्रधानमंत्री के करीब आ गया था। सीएम योगी पर सपा प्रमुख का हमला, सरकार हर मोर्चे पर फेल, सीएम पर खुद कई मुकदमे जारी। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी सरेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद कई गंभीर मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बार मांग की है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करे, लेकिन भाजपा सरकार सूची नहीं जारी कर रही है। अब शिवपाल की बारी, जा सकते हैं जेल, भाजपा सांसद ने क्यों कही ये बात। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि यदि जांच करा ली जाए
तो पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी जेल में होंगे। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से नीति अपनाई जा रही है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। यूपी सरकार के एक साल पूरे होने पर वह यहां पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती के लिए 26 मार्च से होने वाला है स्किल टेस्ट अब स्थगित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती के तहत चल रहे स्किल टेस्ट के क्रम में 26 मार्च 2023 से हैंडबॉल खेल के लिए स्किल टेस्ट स्थगित कर दिया। इस खेल विद्या के स्किल टेस्ट के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 यानी खेल कोटा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अलग से सूचित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण अमीन सर्वे के रिवीजन कोर्ट ने किया खारिज, अब 7 रूल 11 पर होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर महेंद्र प्रताप द्वारा अमीन सर्वे कराने को लेकर दाखिल किए गए रिवीजन को एडीजे 6 अभिषेक पांडे की अदालत ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने अमीन सर्वे से पूर्व 7 रूल 11 पर बहस की मांग अदालत से की है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पत्रावली पहुंचने के बाद वहां इस पर सुनवाई की तिथि तय की जाएगी। वहीं वादी पक्ष ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने के विकल्प पर विचार करने की बात कही है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अदालत ने फैसले का स्वागत किया है। यूपी के आलू किसानों के लिए अच्छी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोसेलर मीट में निर्यात पर होगी चर्चा, सीएम योगी हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए 2 और 3 अप्रैल को आगरा के जेपी होटल में इंटरनेशनल बायोसेलर मीट आयोजित होने जा रही है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की उम्मीद है। मीट में आलू के निर्यात में चर्चा की जाएगी। बताने की आलू का भाव लागत से भी कम होने पर 10 मार्च को जिलाधिकारी ने अपने आवास पर उद्यान विभाग, होफेड, कोल्ड स्टोर मालिक एवं किसान नेताओं के साथ बैठक की थी। एक बार फिर से यह बैठक होने वाली है, इसमें सीएम योगी मौजूद हो सकते हैं और क्या फैसला आएगा, फैसला आने के बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सांसद शफीकुर रहमान ने सरकार की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, बोले पूरा हिंदुस्तान जानता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक साल में क्या काम किया। जी हां दोस्तों, संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि फैसले कानून से होने चाहिए, कानून के अपने हाथों में लेकर फैसले नहीं लेने चाहिए। सब लोग जानते हैं कि एक साल में आपने क्या काम किया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार का बुलडोजर चलवाना गलत है, कमेंट में जरूर बताएं। SBI सहित इन बैंकों में मिल रहा है एक साल की FD पर करीब 8% तक ब्याज, जाने डिटेल में। जी हां दोस्तों, अगर आप कम समय के लिए अपनी जमा पूंजी को निवेश करके ज्यादा ब्याज पाना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पिछले 9 महीनों के दौरान RBI ने लगातार अंतराल पर रेपो रेट में इजाफा किया है। रेपो रेट में इजाफे के बाद कई बैंकों ने अपनी FD रेट भी बढ़ा दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्याज दरों में इस इजाफे के बाद बंधन बैंक अपने जनरल कस्टमर को एक साल की FD पर 7.25%, सिटी बैंक 7.25%, यस बैंक 7%, इंडस इंड बैंक 7% और RBL बैंक समेत 7% का ब्याज दे रहा है। G20 की बैठक में तिरंगे को खालिस्तानी झंडे से बदलने की धमकी, आईडियो वायरल, एक्शन में पुलिस। जी हां दोस्तों, अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों पर पंजाब पुलिस की भारी कार्यवाही के बीच खालिस्तानी समर्थकों ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय झंडे को खालिस्तानी झंडे से बदलने की धमकी दी है। बताने के संबंध में एक यात्री को आईडियो पर धमकी मिली है। आईडियो क्लिप में खालिस्तानी समर्थकों ने अमृतपाल सिंह के बारे में भी बात की है। आईडियो में कथित खालिस्तानी समर्थकों ने प्रगति मैदान पर कब्जा करने और भारतीय तिरंगे को नीचे खींचने की धमकी दी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। भाजपा की नई टीम का ऐलान, 18 उपाध्यक्ष और 7 महामंत्री समेत 51 को नई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी भाजपा ने यूपी के संगठन में बड़ा बदलाव किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह चौधरी ने प्रदेश में नई टीम का ऐलान कर दिया है। भाजपा की इस नई टीम में ज्यादातर चेहरे पुराने हैं, तो वहीं कुछ नए चेहरे को भी मौका दिया गया है। वहीं भाजपा की नई टीम में 18 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री, 16 प्रदेश मंत्री और एक एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, मुख्यालय प्रभारी और प्रभारी प्रकोष्ठ एवं विभाग शामिल है। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी संगठन में नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के खिलाफ देवरिया में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, सभी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के खिलाफ देवरिया में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं।
बता दें कि सुभाष चौक पर धरना दे रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर जुटे कांग्रेसी वहां से जुलूस की शक्ल में निकले और सुभाष चौक पहुंचकर वहां धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों के आंदोलन को देखते हुए सुभाष चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। धरने के दौरान कांग्रेसियों ने देवरिया गोरखपुर मार्ग को जाम करने का प्रयास भी किया। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर में कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें।